हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है और प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसे, पाथ की इक्वेशन हमने डिराइव की थी लास्ट टाइम। आगे उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो, जो मैक्सिमम हाइट हमने निकाली थी, मैक्सिमम हाइट, तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट थी एच मैक्स, एच मैक्स किसके बराबर, आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, एच मैक्स का आपका जो रिलेशन था वो था यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये आपका फॉर्मूला आया था मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, जब किसी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या उसकी u है, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी उसके लिए ये मैक्सिमम हाइट का आपका फॉर्मूला था एच मैक्स। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आया था। अब देखो, जो मैक्सिमम हाइट है भाई, हम किसी चीज को किस एंगल पे फेंकें, किसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे फेंकें कि जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हो जाए। देखो, मैक्सिमम हाइट का मतलब है भाई, आप किसी बॉल को मतलब किस एंगल पे फेंकें ताकि जो आपकी मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम हो जाए। यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो इस पाथ में जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पाथ में जो ये पाथ फॉलो करेगा, इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस हाईएस्ट पॉइंट की ग्राउंड से हाइट है, ये ग्राउंड से हाइट है, ग्राउंड से डिस्प्लेस डिस्टेंस है उसकी। तो अगर देखो, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो वो और ज्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, देखो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब होगी, इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट पॉइंट आपका है, हाईएस्ट पॉइंट की जो हाइट है वो मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम हाइट, या इसको ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम, हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट विल बी मैक्सिमम व्हेन। कब मैक्सिमम होगी, व्हेन। अब देखो, ये आपकी जो है ये मैक्सिमम कब होगी, तो इसको क्या कर देंगे हम, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे आपकी हाइट है, हाइट इज द फंक्शन ऑफ यू एंड थीटा, हाइट इज द फंक्शन ऑफ यू एंड थीटा, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, आप कितनी तेज स्पीड से फेंकते हो उसको, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, किस एंगल पे आप उसको फेंकते हो, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रही है वो, उस पर भी डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन हम यहाँ क्या मान के चलते हैं, कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। तो आपकी जो मैक्सिमम रीचेबल हाइट है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, इनिशियल स्पीड पे और एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ यू, मतलब यू आपने क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट मान लिया, यू आपने सेम रखेंगे आप, तो यू को सेम रखेंगे तो थीटा के साथ एच वेरी करेगा, अलग थीटा पे फेंकोगे तो अलग हाइट होगी, तो थीटा के साथ वेरी करेगा मैक्सिमम हाइट आपका। ठीक है, अब किस थीटा पे ये आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, किस थीटा पे ये बन जाएगा मैक्सिमम। तो कोई भी चीज मान लो, जैसे यहाँ पे हाइट है वो थीटा का फंक्शन है, और मतलब ये किस थीटा पे मैक्सिमम होगा, या आपसे ये पूछा जाए ये किस थीटा पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी एच अपॉन डी थीटा, किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसके साथ इसका वेरिएशन देखना आपको, यहाँ पे हाइट का वेरिएशन देख रहे हैं ना थीटा के साथ, तो जिसके साथ वेरिएशन देखना है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डी एच अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यू क्या लेना है आपको, कॉन्स्टेंट लेना है, यू आपको सेम रखना है, तो यू स्क्वायर बार आ जाएगा 2g, यू स्क्वायर अपॉन टी जी आपका कॉन्स्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल है साइन टू थीटा,
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब डिफरेंशिएशन देखो किसका करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है और किसका करना है, साइन टू थीटा का करना है, साइन टू थीटा का, ठीक है। तो साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये आपका यू स्क्वेयर अपॉन टू जी एज इट इज, और इसमें पावर आगे आ जाएगी टू साइन थीटा, ठीक है। अब पावर दो थी ना, तो पावर में से एक कम कर देंगे, ऐसे ही निकालते ना, पावर आगे ले आओ और पावर में से एक कम कर देंगे, तो टू माइनस वन हो जाएगी पावर यहाँ पे, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप दो फंक्शन मान लो, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और आप इसको u इंटू वी जो प्रोडक्ट रूल है आपका डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस का साइन लगाओ, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले को कांस्टेंट रखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, टू आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो पावर कितनी बच गई यहाँ पे, वन बच गई, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कर दो साइन थीटा का, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पे ये आपका आ जाएगा यू स्क्वेयर टू जी, और इसको लिख दूंगा मैं टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको लिखूंगा साइन टू थीटा, क्या लिखेंगे इसको, साइन टू थीटा। अब देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हमें हाइट का वेरिएशन देखना है थीटा के साथ, हाइट का वेरिएशन थीटा के साथ, किस थीटा पे हाइट मैक्सिमम होगी, किस थीटा पे हाइट मिनिमम होगी, जिस थीटा पे हाइट मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी वो कैसे निकालेंगे, भाई किस थीटा पे हाइट मिनिमम होगी, किस पे मैक्सिमम होगी, कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के साथ, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया थीटा के साथ, और जहां पे आपकी एच मैक्सिमम होगी, मतलब जिस थीटा पे आपकी हाइट मैक्सिमम होगी या आपकी हाइट मिनिमम होगी, ठीक है, वहां पे आपका जो डी एच अपॉन डी थीटा है, जो डिफरेंशिएशन है, वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो एट मैक्सिमा और मिनिमा, एट मैक्सिमा और मिनिमा, जहां पे वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होती है ना, उसके ऊपर क्या हो जाता है, डी एच अपॉन डी थीटा, जो डिफरेंशिएशन किया आपने उसको क्या रख दो, जीरो के बराबर रख दो। तो यहां पे हमारा जो डिफरेंशिएशन है ये किसके बराबर रखना है, जीरो के बराबर रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, भाई इसको जीरो के बराबर रखना है। तो यहाँ पे क्या है, दो टर्म है ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब ये तो जीरो है नहीं, कुछ ना कुछ तो स्पीड है उसकी, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, तो ये टर्म जीरो नहीं है। तो दोनों ये जीरो कब होगी, जब ये जीरो होगी, तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू जीरो, और साइन टू थीटा जीरो का मतलब है साइन जीरो कब होता है, जब आपका टू थीटा क्या होगा, जब आपका टू थीटा क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा जीरो किस पे होगा, जब आपका साइन टू थीटा जीरो हो जाएगा या आपका 180 हो जाएगा, ठीक है, जीरो या 180। अब देखो 180 को तो हम लेंगे ही नहीं, 180 को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में एंगल जो लेते हैं ना वो क्या लेते हैं, 90 से छोटा और आपका जीरो और 90 के बीच में लेते हैं, ठीक है। तो हम किसको लेंगे, जीरो को ही लेंगे, इनको भी इंक्लूड करेंगे, जीरो को 90 को, 180 को नहीं लेंगे। यहाँ पे थीटा कितना आ गया आपका, थीटा आपका आ गया जीरो डिग्री, थीटा आपका जीरो डिग्री आ गया, ठीक है। तो जब आपका थीटा जीरो डिग्री होगा, वहां पे आपकी हाइट मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी, देखो ये तो सॉरी ये तो टू थीटा आया ना, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये तो टू थीटा की वैल्यू आई है, तो यहां से थीटा की वैल्यू तो दो आ जाएगी ना, थीटा जीरो आ गया और थीटा कितना आ गया आपका 90 आ गया, ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो लेनी आपको। अब देखो थीटा जीरो और थीटा 90, तो आपकी जो हाइट है वो किस थीटा पे मैक्सिमम होगी और किस थीटा पे मिनिमम होगी। देखो यहाँ पे दो थीटा आ गए आपके पास, जीरो और 90 आ गई, तो जीरो पे हाइट मैक्सिमम होनी चाहिए कि मिनिमम होनी चाहिए, वैसे कॉमन सेंस से बता सकते हैं ना भाई, जीरो पे हाइट, जीरो का मतलब है आपने उसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग थ्रो किया है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग थ्रो करोगे तो क्या वो ऊपर जाएगा, नहीं, तो हाइट क्या हो जाएगी, मिनिमम। और जब आप उसको थीटा का मतलब 90 डिग्री पे, मतलब ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड, जब आप उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट होगी, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, हाइट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, और इसके ऊपर हाइट क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो हाइट है, आपकी जो हाइट है वो थीटा के साथ वेरी कर रही है, और किस थीटा पे मैक्सिमम होगी, किस थीटा पे मिनिमम होगी, वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर दो हाइट का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और जो आपका डिफरेंशिएशन आएगा उसको जीरो के बराबर पुट करना है। तो हमेशा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हैं, जीरो के बराबर पुट करते हैं। तो यहां पे
आपके पास दो वैल्यू आ गई थीटा की, 0 और 180। अब 0 ये 2 थीटा की वैल्यू आई है, थीटा की नहीं आई है, 2 थीटा 0 मतलब थीटा 0 और 2 थीटा 180 मतलब थीटा 90। तो अब इनमें देख लो, अपनी कॉमन सेंस से देख लो किस पे मैक्सिमम होगी किस पे मिनिमम होगी। तो जब ये मैंने उल्टा लिखा यहाँ पे, मिनिमम होगी 0 डिग्री पे और मैक्सिमम होगी आपकी 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये आसान है, सिंपल है, इसको याद रखना है कि हाइट मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो आपकी थी मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे थे हम। मैक्सिमम हाइट के बाद देखो, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज को भी पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल रेंज को भी पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट को भी हमने पढ़ा था। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो हमारा फॉर्मूला आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, 2u sin थीटा अपॉन जी। ये था भाई, जब किसी बॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था कि कितने टाइम के बाद, कितने टाइम इंटरवल के बाद वो ऑब्जेक्ट, वो प्रोजेक्टाइल वापिस ग्राउंड पे आएगा, वापिस ग्राउंड पे आ जाएगा, ठीक है। मतलब कितना टाइम इसने एयर में स्पेंड किया, वो इसका था टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो मैं इसको ना, ये आपका ये वो पॉइंट है जो हाईएस्ट पॉइंट आपका, हाईएस्ट। तो भाई मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा और फिर हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगा। तो यहां से स्टार्टिंग से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम को मैं मान लेता हूं T1 लगा मेरे को, कितना टाइम लगा T1, और हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड पे आने में टाइम कितना लगा, T2 टाइम लगा, ठीक है। तो T1 टाइम और T2 टाइम क्या है, T1 टाइम है ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम और T2 उसका अपोजिट, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने का टाइम। अब मेरे को प्रूव करना है, मेरे को यहाँ पे एक चीज प्रूव करनी है, क्या चीज प्रूव करनी है कि आपका जो T1 है ना, T1 हमेशा T2 के बराबर होता है, T1 आपका किसके बराबर होता है, हमेशा T2 के बराबर होता है, ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई भाई, कोई भी चीज आप फेंक रहे हो तो वो ग्राउंड से ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लगा ना, उतना ही टाइम वापिस आने में भी लेगी वो ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये हमें प्रूव करना है, T1 T2 क्या करने हैं, प्रूव करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं। देखो भाई ये आपकी, मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं, ये मान लो 1 पॉइंट आपका, ये मान लो 2 पॉइंट आपका, ये मान लो 3 पॉइंट है। तो 1 से 2 की बात कर रहा हूं मैं, 1 से 2 की बात कर रहा हूं। तो बताओ 1 से 2 के बीच में वर्टिकल के अलोंग कितनी डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट मान लो कैपिटल एच है। तो 1 से 2 के बीच में ये जो मोशन है, इसमें वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी, एच डिस्प्लेसमेंट होगी वर्टिकल के अलोंग। ऐसे ही जब 2 से 3 इसकी बात करेंगे, 2 से 3 की, तो इसमें भी वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी, एच। 1 से 2 में डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ और 2 से 3 में डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। अब देखो तो यहां पे मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा यूजिंग, इसको प्रूव करने के लिए, यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन लगाऊंगा मैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं बात कर रहा हूं 1 से 2 इंटरवल की, ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जो आपकी मोशन है उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, एच। भाई एच प्लस का लूं कि माइनस का लूं, डिस्प्लेसमेंट मेरी ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक है, ऊपर की तरफ है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि नीचे से ऊपर तक, ऊपर की तरफ ले लो प्लस में और ऊपर से नीचे की तरफ ले लो माइनस में। तो ये प्लस एच ले लिया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वेशन लगानी है आपको वर्टिकल के अलोंग, सिर्फ वर्टिकल के अलोंग लगा रहा हूं मैं। तो आपकी जो, देखो यहां पे डिस्प्लेसमेंट मैंने सिर्फ वर्टिकल के अलोंग ली है, वैसे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपकी ये है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी वर्टिकल के अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने ये इक्वेशन लगाई है किसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग,
ठीक है। अब देखो व्हाट इज यू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, या आप इसको ना थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो भाई, इसको वर्टिकल को मान लो वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल को मान लो एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस मान लो, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे सबस्क्रिप्ट में वाई लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा। तो अब मैं ये इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ वन और टू के बीच में, वन और टू के बीच में, तो वन और टू के बीच में वर्टिकल के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच है। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वन पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसको ये यू थी ना, तो वर्टिकल के अलोंग क्या थी, इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग और एक वर्टिकल के अलोंग, ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। तो ये क्या थी आपकी यू साइन थीटा इंटू टाइम कितना लगा यहां से यहां तक, इसको मैंने टी वन ले रखा, टी वन प्लस हाफ ए वाई वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन, वर्टिकल के एक्सेलरेशन तो है ही वर्टिकल के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो कितना है जीरो है, तो यहां पे कितना है माइनस जी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हर जगह किधर है, नीचे की तरफ है, और किसके बराबर है जी के बराबर, तो माइनस जी। तो यहां पे अब आपका टाइम कितना है टी वन का स्क्वेयर, ये ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको तो एक बार ऐसे लिख लेते हैं, एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वेयर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये आपकी मान लो इक्वेशन वन होगी, दिस इज इक्वेशन वन। अब मैं टू से थ्री के लिए लगाऊंगा सेम इक्वेशन, सेकेंड इंटरवल के लिए, टू से थ्री के लिए, तो इन इंटरवल टू टू थ्री यही इक्वेशन दोबारा यूज करेंगे, ये आपकी थी वन से टू के लिए, अब लगाएंगे टू से थ्री के लिए सेम इक्वेशन। तो टू से थ्री के बीच में डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी एच है लेकिन है किधर, नीचे की तरफ है, तो माइनस एच इज इक्वल टू यहां पे, अब टू से थ्री चल रहे ना, तो ये बन गई आपकी इनिशियल पोजिशन। तो यहां पे वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल, तो यहां पे वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो, तो यहां पे क्या ले लेंगे जीरो, ठीक है। फिर प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना वर्टिकल के अलोंग माइनस जी, और टाइम कितना है टी टू का स्क्वेयर, टी टू का स्क्वेयर, ये हो गया। अब देखो अब इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और एच इज इक्वल टू हाफ जी टी टू का स्क्वेयर, ये मेरी इक्वेशन आ गई सेकंड, ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ गई यहां से सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड का यूज करके आपको क्या करना है, दोनों का यूज करना है, यहां पे देखो दोनों को बराबर रख दो, दोनों में लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो दोनों को बराबर रख दो, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो, जब दोनों को बराबर रखेंगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी यू साइन थीटा इंटू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वेयर, और सेकंड क्या थी हाफ जी टी टू स्क्वेयर, ये थी, दोनों को बराबर रख दिया यहां पे, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर देता हूं और जी से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगी 2u sin theta by g into t1 minus into t1 minus, ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, डिवाइड कर दिया g से, तो यहां पे t1 का स्क्वायर बचेगा और यहां पे t2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो ये क्या है, ये क्या आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, यहां से यहां तक का टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन है ये, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है यहां से यहां तक का टाइम, और यहां से यहां तक का टी वन है, यहां से यहां तक का टी टू है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया यहाँ पे, टोटल टाइम किसके बराबर हो गया टी वन प्लस टी टू हो गया ना, तो टी वन प्लस टी टू, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, ये टी वन प्लस टी टू के बराबर है, तो यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे टी वन प्लस टी टू रख दो इसकी जगह, टी वन प्लस टी टू इंटू टी वन माइनस टी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टी टू स्क्वेयर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसमें देखो
यहां इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टी वन स्क्वेयर प्लस टी वन इंटू टी टू माइनस टी वन स्क्वेयर इज इक्वल टू टी टू स्क्वेयर। तो टी वन स्क्वेयर से टी वन कैंसिल हो गया, टी टू की एक पावर कैंसिल होगी और टी वन किसके बराबर आ गया, टी टू के बराबर आ गया। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो जितना टाइम ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगता है उतना ही टाइम वापिस आने में लगता है। ठीक है, मान लो आपके पास ना एक बॉल है, आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंक देते हो, बॉल ऊपर जाएगी, मान लो उसको ऊपर जाने में, ऊपर मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में मान लो 2 सेकंड लग गए, तो वो बॉल आते वक्त भी हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आते वक्त भी 2 सेकंड ही लेगी, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये हमें, हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अब हम बात करते हैं आपकी जो, देखो यहां से एक चीज और निकल के आती है, क्या निकल के आती है भाई, मान लो आप ना ये ग्राउंड है, ग्राउंड से किसी चीज को ऐसे फेंकते हो, आपने उसको यू स्पीड यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, तो ये ऐसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और फिर नीचे आएगी, नीचे आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इसकी वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी थी कुछ। ठीक है, जब ये यहाँ नीचे गिरेगी तो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ भी वेलोसिटी होगी, ये इसकी थी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी है फाइनल वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। इसका ये कंपोनेंट ये थी इसकी, देखो इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, हमेशा मैं इसको ऐसे ही लूंगा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ये इनिशियल वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है या हॉरिजॉन्टल के अलोंग है। तो इनिशियल वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग। ऐसे ही ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इसको भी रिजोल्व कर लो दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, वी वाई वर्टिकल के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग। अब हमें यहां पे क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट यू वाई इज इक्वल टू वी वाई। जिस स्पीड से आपने, जो स्पीड इसकी यहां ऊपर की तरफ थी, जो स्पीड यहां ऊपर की तरफ थी ग्राउंड पे, जब आपने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो जब ये वापिस ग्राउंड पे आएगी अपनी पूरी जर्नी करके वापिस ग्राउंड पे आएगी, तो नीचे की तरफ जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी उसी के बराबर होगी जो ऊपर की तरफ स्पीड थी जब इसको प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है यहां पे। ठीक है, और ये सिर्फ ग्राउंड के लिए नहीं है, ये ग्राउंड के लिए नहीं है, ये आपका, अगर आप ये मान लेते हो कि भाई कुछ हाइट पे यहां बॉल थी और इस सेम हाइट पे मैंने यहां दूसरा पॉइंट ले लिया, सेम हाइट पे दूसरा पॉइंट ले लिया, तो जो वेलोसिटी इसकी यहां ऊपर की तरफ थी वही वेलोसिटी यहां इसकी नीचे की तरफ होगी, अगर पॉइंट दोनों सेम हाइट पे हैं। तो यहां भी दोनों सेम हाइट पे ना, दोनों ग्राउंड के पॉइंट है, तो जो वेलोसिटी यहां ऊपर की तरफ थी ना, जो स्पीड यहां ऊपर की तरफ थी वही स्पीड यहां नीचे की तरफ होगी। ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग होगी, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी आ गई ना, यहां डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहां डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन स्पीड बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है यहां पे, तो ये प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको प्रूव, पहले आप क्या कर लो, यहां इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपका 1 है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट हो गया आपका 2, और ये 2 से फिर ग्राउंड पे आपका पॉइंट हो गया 3। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में 4 इंटरवल 1 टू 2, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इंटरवल 1 से 2 की। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के लॉन्ग, वर्टिकल के लॉन्ग इक्वेशन अप्लाई कर लो, कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई करने आपको वर्टिकल के अलोंग, तो v किसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग, तो सभी वर्टिकल डायरेक्शन में ही कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, कहां की बात कर रहा हूं मैं, यहां से यहां की बात कर रहा हूं, यहां ये यहां पे जो वेलोसिटी है ना वर्टिकल के अलोंग y एक्सिस के अलोंग वो है आपकी वी वाई, तो यहां तो क्या हो जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे 0, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के अलोंग ये क्या हो जाएगी आपकी, हमने इसको यू वाई ले रखा है, यू वाई रहने दो इसको, प्लस एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, और टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का टाइम को मैं मान लेता हूं टी वन,
जो मैंने लास्ट टाइम माना था, तो यहां से यहां तक के टाइम को क्या मान लिया, T1 मान लिया। ऐसे ही फॉर इंटरवल टू टू थ्री, तो इस इंटरवल की बात कर रहा हूं दो से तीन की, तो ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी वर्टिकल के लॉन्ग, जीरो। तो अगेन वही अप्लाई करेंगे, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बी ए वाली, ठीक है। ये कितनी आपकी वी वाई के बराबर ही है, इसको वी वाई मान रखा है, और ये आपकी ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है भाई, इसमें तो हमें डायरेक्शन का भी ख्याल करना है ना, तो ये ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, ये आपकी नीचे की तरफ है, किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो वी वाई को मैंने यहाँ पे माइनस में लिया, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी किसके अलोंग, वर्टिकल के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, जीरो है, प्लस ए वाई हमेशा माइनस जी, और यहां से यहां तक का टाइम कितना मान लिया, टी टू मान लिया, क्या मान लिया, टी टू मान लिया। अब इक्वेशन ये मान लो आपकी इक्वेशन वन है, और ये इक्वेशन मैं इसको टू मान लेता हूं, तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, यहाँ पे पहली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू जी टी वन, और दूसरी इक्वेशन से इससे क्या आ जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू जी टी टू, किसके बराबर आ गया, जी टी टू के बराबर। अगर अगर टी वन आपका टी टू के बराबर है, देखो दोनों इक्वेशन में अगर टी वन और टी टू बराबर हैं, तो जी तो सेम ही है ना, अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा, यू वाई आपका वी वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और टी वन टी टू कब बराबर होंगे, जब ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होंगे, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं इससे पहले वाले आर्टिकल में कि टी वन टी टू बराबर होंगे। अब देखो टी वन टी टू का मतलब यहां से जितना टाइम यहां लगेगा वहां से उतना टाइम यहां लगेगा, ठीक है। अब देखो ये भी कह सकते हैं कि यहां से मान लो कोई बीच में पॉइंट है, यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा ना, यहां से वापिस उसी लेवल पे ये पॉइंट है जो ये है, जिस लेवल पे ये है उसी लेवल पे ये है, तो यहां से यहां तक भी सेम टाइम लगेगा। तो अगर यहां से यहां तक का टाइम सेम है और यहां से यहां तक का टाइम सेम है, तो मैं ये कह सकता हूं यहां जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, यहां जो स्पीड है ऊपर की तरफ, और यहां जो स्पीड है नीचे की तरफ, दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ ग्राउंड के लिए नहीं है, कोई भी दो पॉइंट ले लो सेम लेवल पे, जैसे मैंने ये ले लिया, तो जो वेलोसिटी आपकी यहां ऊपर की तरफ है ना, वही वेलोसिटी यहां आपकी नीचे की तरफ होगी, ठीक है। या आप इसको ऐसे देख लो, एक छोटा सा और एग्जांपल देखो यहां पे भाई, मान लो आप ना किसी घर की छत पे खड़े हो, यहां से आपने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया, वो बॉल आपके ऊपर जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वापिस फिर से वो बॉल नीचे आएगी, तो ये बॉल यहां पे आ गई। तो जिस वेलोसिटी से आपने ऊपर फेंका था ना इसको, यहां से जब आपकी मतलब आपकी जो छत है उसके लेवल पे बॉल आ जाएगी, सेम लेवल पे आ जाएगी जहां से फेंका था, तो यहां जो इसकी वेलोसिटी होगी ना नीचे की तरफ, वो भी क्या होगी, यू के बराबर ही होगी, ठीक है। तो इसका ये मीनिंग है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये अब देखो, इसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे आपकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी, हॉरिजॉन्टल रेंज हमने मैक्सिमम हाइट डिस्कस किया, टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज है उसका फॉर्मूला क्या था आपका, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आपका था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशनशिप थी। अब देखो यहां पे हमें क्या करना है भाई, अपने पास है ना एक बॉल है मान लो, या कोई भी प्रोजेक्टाइल है, उसको मैं पहले थीटा वन एंगल पे फेंकता हूँ, किस पे फेंकता हूँ, थीटा वन एंगल पे, उसको प्रोजेक्ट किया यू स्पीड से, थीटा वन एंगल पे यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया, और वो बॉल आपकी मान लो यहां जाके गिरी, यहां से आर वन डिस्टेंस पे जाके गिरी, तो उसकी रेंज कितनी थी, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या थी, आर वन थी, यहां जाके वो बॉल आपकी गिरी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उसी बॉल को फेंक दिया किस पे, थीटा टू एंगल पे, ये एंगल आपका थीटा टू है, आपने उसको थीटा टू एंगल पे फेंक दिया, और आपने देखा कि वो बॉल अब भी वहीं पे जाके गिरी है, तो अब की बार जो रेंज है वो भी सेम आर वन के बराबर ही है, तो यहाँ पे आर वन और आर टू क्या थे, बराबर थे। एक बार तो आपने उसको फेंका थीटा वन एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा वन एंगल पे, फिर आपने उसी स्पीड से, दोनों में स्पीड बराबर है, फिर आपने उसी स्पीड से थीटा टू एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तब भी उसकी रेंज सेम है। तो थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन है, थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन है वो हमें बताना है, मतलब सेम रेंज
आपको दो एंगल के ऊपर थीटा वन पे और थीटा टू पे दो एंगल पे आपको सेम रेंज मिलेगी। थीटा वन थीटा टू दो एंगल के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलेगी। और वो थीटा वन थीटा टू में क्या रिलेशन होगा वो आपको निकालना है। तो देखो पहले मैं आर वन निकाल लेता हूँ। आर वन, आर वन है जब आपने उसको थीटा वन एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो स्पीड सेम थी, स्पीड दोनों में यू है, तो साइन टू थीटा वन जब आपने उसको थीटा वन पे प्रोजेक्ट किया तब उसकी रेंज क्या होगी, आर वन होगी। ऐसे ही आर टू मान लेता हूं मैं रेंज, जब आपने उसको थीटा टू एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो ये थीटा टू एंगल पे प्रोजेक्ट किया तब उसकी रेंज है। अब देखो आर वन आर टू क्या है, बराबर है। अगर आर वन आर टू बराबर है दोनों को बराबर रख दो, इफ आर वन आर टू इक्वल है तो इसको देखो क्या हो जाएगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं साइन टू थीटा वन इसके बराबर होगा साइन टू थीटा टू के बराबर होगा। भाई ये आपको बराबर रखनी है इसके, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी तो बराबर है ही, तो ये अगर इसके बराबर है तब जाके आर वन आर टू क्या होंगे, बराबर होंगे। तो साइन टू थीटा वन इज इक्वल टू साइन टू थीटा टू, ठीक है। अब देखो यहां पे ये कब पॉसिबल है, यहां पे दो दो मतलब इसके दो सॉल्यूशन हैं, जो साइन टू थीटा वन है और साइन टू थीटा टू आपके बराबर कब होंगे। एक तो दो सॉल्यूशन है यहाँ पे, एक तो थीटा वन और थीटा टू बराबर हो जाए, वो तो बात ही मतलब हमने दोनों बार सेम एंगल पे फेंका है, वो तो वही हो गया ना कि थीटा वन थीटा टू बराबर है, हमने दोनों बार उसको सेम एंगल पे फेंका है तो सेम रेंज ही मिलेगी हमें, तो वो तो हमें डिस्कस करना ही नहीं है। उसके बाद देखो सेकंड क्या हो सकता है, अगर थीटा टू आपका 90 माइनस थीटा वन हो, थीटा टू की जगह क्या रख दो 90 माइनस थीटा वन। अब देखो तो यहां पे साइन टू थीटा वन इज इक्वल टू साइन टू थीटा टू की जगह रख दो 90 माइनस थीटा वन, ये रख दो। तो अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस टू थीटा वन, ये हो गया, और 180 माइनस